दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल विहंगम हेल्थ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गुजारिश है, आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, मैं बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट, जेन्युइन चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें, लाभप्रद चीज़ आप लोग के लिए लाता हूँ, जो काफ़ी गुणकारी लाभकारी होता है। अतः आप लोग मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों लाइक और शेयर करें। दोस्तों आज मैं एक पांडुलिपि पढ़ रहा था, जिसमें आचार्य चाणक्य के बारे में कुछ बातें थी, कुछ ज्ञान की बातें थी, उनकी नीतियाँ थी। हमें उसमें एक चैप्टर मिला कि इन सब बातों का पालन करने वाला कभी बीमार नहीं पड़ता, यानी ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ते। दोस्तों ऐसे दोनों उन्होंने लक्षण तरीके तो अनेकों बताए थे, लेकिन मैंने उसमें से 6 चूज किया है, मेन है जो ज़रूरी है। यदि आप पालन करते हो तो ताउम्र गारंटी है, पूरी लाइफ आप बीमार नहीं पड़ोगे, आचार्य चाणक्य ऐसा दावा करते हैं। आप लोग ध्यान सुने और मेरे वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, तभी सारी बातें समझ पाएंगे। दोस्तों पहला नंबर आता है, दोस्तों कहते हैं कि आचार्य चाणक्य ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाला आदमी कभी बीमार नहीं पड़ता। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त का अभिप्राय होता है रात को 3 बजे के बाद में और सूर्योदय से पहले। तो चलो 3 बजे जगना तो मुश्किल है, आज के आधुनिक जमाने में लोग बिजी जीवन है, लेकिन सूर्योदय से पहले जग जाना चाहिए। आप सूर्योदय से पहले जगें, थोड़ा सा वॉकिंग करें, टहलें, तो आपकी गारंटी है आप बीमार नहीं पड़ोगे, या आपके हार्ट को शुद्ध हवा मिलती है, फेफड़े को शुद्ध हवा मिलता है, अर्थात हार्ट मजबूत होता है, कई बीमारी से बचाव होता है, आप बीमार नहीं पड़ते, फलता आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आपके अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ती है ब्रह्म मुहूर्त जगने से, पहले बता दिया। दोस्तों दूसरा नंबर आता है तो सूर्य नमस्कार, यानी सूर्योदय जब हो रहा हो, दूसरों सूर्योदय होने के नॉर्मली आधे घंटे के अंदर में जो सूर्य आधे घंटा ज़्यादा हो गया, मतलब वही 15 मिनट के अंदर जो सूर्य की रोशनी होती है उसका आपको उसकी शेक करना है, सूर्य की रोशनी को अपने शरीर पर लेना है, आप नमस्कार करना अगर आपकी मर्जी है, ये बात धर्म पर नहीं है। सूर्य की रोशनी ऐसे निकलती है जो हमारे शरीर बहुत सारी ताकत देती है, एनर्जी, ऊर्जा देती है, बहुत सारे हमको चर्म रोग से बचाव करती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ता आता। सूर्य नमस्कार का अभिप्राय यह है कि सूर्योदय होने के 15 मिनट के अंदर का जो रोशनी होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है, उसका आप लाभ जरूर उठाएं, आप बीमारी नहीं पड़ोगे। दोस्तों पॉइंट होती है दोस्तों, यानी बिस्तर छोड़ने के बाद 5 अंजलि जल पिए, यानी दोस्तों उस जमाने अंजलि हुआ करता था, बर्तन का अभाव होगा उस जमाने में, आदिकाल में अंजलि का अभिप्राय मतलब अंजलि से जो पानी पीते हैं, उन्होंने कहा कि 5 अंजलि पानी पिए, यानी लगभग आधा लीटर पानी होगा मोटा मोटी। अतः आप उठने के थोड़ी देर के बाद कुल्ला वाला कर लें और आधा लीटर पानी जरूर पिए, जलपान कहते हैं इसको, जलपान जरूर करें, इसका आप नियमित पालन करेंगे तो गारंटी आप कोई बीमार नहीं पड़ोगे, तमाम आप स्वस्थ रहोगे। दोस्तों पॉइंट नंबर 4 बताते हैं कि यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं, स्वस्थ जीना चाहते हैं, तो सप्ताह में यानी 7 दिन में एक बार हम बिस्तरी करें, संभोग करें, स्त्री प्रसंग करें। वो कहते हैं आचार्य चाणक्य कि यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हो, गृहस्थ हो, तो सप्ताह में एक ही बार स्त्री प्रसंग करें, 7 दिन में एक बार स्त्री प्रसंग करेंगे, गारंटी आप जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे, आपको अंदर कभी कमजोरी नहीं आएगी, इम्यूनिटी पावर कमी नहीं होगी, आप ताउम्र स्वस्थ रहोगे, ठीक है। दोस्तों पॉइंट नंबर 5 कहते हैं दोस्तों आचार्य चाणक्य कि भोजन करने की कला सिखाते हैं, भोजन कैसे करना चाहिए, यानी भोजन हम आधा पेट करें, आधे का आधा पानी पिए, आधा रखें ऑक्सीजन के लिए, हवा के लिए। ऐसा व्यक्ति जो पालन करता है, नित्यदिन पालन करता है, वह सदा ताउम्र स्वस्थ रहता है, उसकी पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है, उसे कफ वात और पित्त कंट्रोल में बैलेंस में रहता है, तो जल्दी व्यक्ति को बीमार नहीं पड़ता है, समझ गए। तो लास्ट पॉइंट है दोस्तों पॉइंट नंबर 6, सूर्यास्त से पहले खाना खाना। दोस्तों उस जमाने में लोग सूर्यास्त से पहले खाना खा लेते थे, लेकिन दोस्तों ये अपराय है कि ये नहीं है कि आप आज भी खा लें, बिजी जीवन है, लोग लेट से खाना खा लें, गलत बात है। दोस्तों खाना पचने के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे आपको खाना पचना चाहिए, रात्रि विश्राम ताकि बढ़िया से हो, रात्रि विश्राम समझते हो ना, यदि आप जल्दी खाना खा लो तो खाना पच जाएगा, रात नींद बढ़िया आएगी, फिर तो आपके अंदर सुबह उठने पर पूरा एनर्जी ऊर्जा भरपूर मिलेगी। अतः इसीलिए उन्होंने कहा है कि सूर्यास्त से पहले आप भोजन कर लें, यानी खाना पचने के लिए और सोने के लिए आपको भरपूर आपको टाइम मिल जाता है। ये 6 बातें उन्होंने समझाया है, जो आप लोगों को मैं विश्लेषण करके समझा दिया, आप लोग इसका पालन करोगे, गारंटी है तमाम कभी आप लोग बीमार नहीं पड़ोगे, मेरा दावा है, दावा है। यदि आप लोग मेरी सलाह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।